पे और अभी एक बस भर के अभी लेके गए इन लोगों को, पता नहीं कहाँ लेके गए। लगभग कितने लोगों को पुलिस ने लिया है? यहाँ पे हो गए 100-200 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी, सबको ले। धरना प्रदर्शन चल रहा है कब से? 21 महीने से चल रहा है और यहाँ पे लिखत में जी। अच्छा, तुम्हारी मांगे क्या है? मांगे हमारी ये है कि जो सर्किल रेट है हमारा सरकारी कानूनी में, उसका हम चाहते हैं 4 गुना हमें मिलना चाहिए, जो प्रशासन ने लागू किया है, कोर्ट ने लागू किया है। हमारी मांग उस चीज़ के लिए है। आप यूज किया है, स्वतः हम लोगों ने इनसे पहले आकर के आग्रह किया है कि धरना प्रदर्शन वर्तमान में धारा 144 लागू है और कोई भी आपने अनुमति नहीं लिया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। राष्ट्रीय महत्ता की इतनी महत्वपूर्ण योजना के विरुद्ध ये लोग जो घेर के बैठे हुए हैं, लोगों की स्वतंत्रता को कर्टल किए हुए हैं, TSDC के ऑफिस को बाधित कर रखे हुए हैं, किसी भी तरह से जो है ये लोग जो है समझाने बुझाने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन चूँकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों के क्रम में जो है इसका निस्तारण होने के उपरांत ही कुछ किया जा सकता है। सब कुछ से अवगत करा दिया गया, वार्ता भी विभिन्न स्तरों पर कराई जा चुकी है, DM सर के माध्यम से भी हो सके, सब हर तरह से कराया जा चुका है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अभी जितने हैं मौके से स्वतः उठ के ये लोग चले गए हैं, प्रयास किया जा रहा है, वार्ता चल रही है कि सर तो कोई हो ही नहीं सकता, वर्तमान में 144 धारा लागू है, धरनास्थल की अनुमति प्राप्त करनी। अरनिया में THDC प्रांगण में धरने पर बैठे किसानों को फिलहाल प्रशासन ने सख्ती दिखाकर उठा दिया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ये स्वेच्छा से यहां से उठाए गए हैं और इसके पीछे की मंशा सिर्फ ये है कि धारा 144 जिले में लागू है। किसान पिछले 21 महीने से 4 गुनी मुआवजे की मांग पर यहां जमे हुए थे। अब किसानों में और प्रशासन में वार्ता हो रही है, इसमें बाद में पता चलेगा कि क्या निकल कर आता है। किसान मानते हैं या आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। श्रीपाल तेवतिया, ETV बुलंदशहर।